नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिराज और मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ 6 अप्रैल आज के दिन इतिहास में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के दिन यानी 6 अप्रैल को इस दुनिया में जो महान हस्तियाँ कुछ आई जिनका जन्म हुआ था उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज के दिन 1593 यानी 1593 में मुमताज महल, आसफ खां की पुत्री जिसका विवाह है मुगल सम्राट खुर्रम यानी शाहजहां के साथ में हुआ था, उसका जन्म हुआ था मुमताज महल। और आज के दिन 1886 में उस्मान अली हैदराबाद के अंतिम निजाम जो थे उनका आज के दिन जन्म हुआ था। आज के दिन 1929 में प्यारे लाल खंडेलवाल प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। आज के दिन 1931 में सुचित्रा सेन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन 6 अप्रैल 1956 को दिलीप वेंगसरकर प्रसिद्ध क्रिकेटर, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन 1971 संजय सूरी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आइए अब डालते हैं नज़र जो आज के दिन जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, जो महान हस्तियाँ। तो आज के दिन 6 अप्रैल 1929 को महाशय राजपाल प्रसिद्ध हिंदी सेवी और प्रकाशक, इनका आज के दिन निधन हुआ था। आज के दिन 2001 में चौधरी देवीलाल भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं भारतीय राजनीति के पुरोधा, किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी और हरियाणा के जन्मदाता, इनका आज के दिन निधन हुआ था। तो आइए और सबसे और अब नज़र डालते हैं आज के दिन महत्वपूर्ण घटनाएं। 1606 यानी 1606 में राजकुमार खुसरो ने अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी। और आज के दिन 1930 में महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्र भारत की मांग पर जोर देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और आज के दिन 1942 में जापानी लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारतीय क्षेत्रों में बमबारी की। और आज के दिन 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पाक जलडमरू मध्य तैरकर पार किया। आज के दिन 1982 में दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित उपनिवेश फॉकलैंड पर अर्जेंटीना ने अधिकार किया था। और आज के दिन 1999 में नेपाल में पुनः 500 रुपये की भारतीय नोट चलाने की घोषणा की गई थी। और आज के दिन 2005 में कुर्द नेता जलाल तालाबानी, उसको इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया था। और आज के दिन 2007 में बांग्ला लेखिका लीला मजुमदार का निधन हुआ था। और अगर बात करें तो आज के दिन भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और भारत दौरे पर आए अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गेथनर ने आर्थिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 2010 में। तो कल हम जो है फिर आपके सामने यानी 7 अप्रैल का इतिहास लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए KVS किड्स जोन। थैंक यू सो मच।